हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंपल पर्सनली। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं अपने इंसेंटिव को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपना इंसेंटिव एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां मैं पूरा डिटेल आज बताने वाला हूँ। मीन्स आज प्रॉफिट या फिर यू कहें पैसे की बात करने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, अगर आपको इंसेंटिव सर्कुलर समझ में आ गया, जो कंपनी आपको इंसेंटिव सर्कुलर देती है, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया और उसको माइंड में रख के ना आपने काम कर लिया, तो जबरदस्त पैसा अर्न कर सकते हैं। एक कहावत है फार्मा के अंदर, बहुत पॉपुलर सा, कि अगर आपको फार्मा के अंदर पैसा कमाना है, कुछ करना है, मतलब कुछ बनाना है, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, कुछ भी बनाना है ना, तो आपको इंसेंटिव कमाना पड़ेगा। अगर आप फार्मा के अंदर इंसेंटिव नहीं कमा पाए ना, सैलरी जितना आता है इतने से सिर्फ तो आपके बाइक में पेट्रोल जाएगा, नया नया मोबाइल आएगा और कपड़े आएंगे, बस इसमें ही खत्म कहानी हो जाएगी, घर तो नहीं चलने वाला। ठीक है, मतलब ये कि कुछ करना है तो इंसेंटिव कमाना है, लेकिन इंसेंटिव तभी कमाया जा सकता है जब आपको अपना इंसेंटिव सर्कुलर जो है समझ में आया, जो कंपनी ने दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक इंसेंटिव सर्कुलर का एग्जांपल लेके बताता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जनरली इंसेंटिव क्या होता है। और लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ही सभी कंपनीज के अंदर होता है, बस इंसेंटिव देने का थोड़ा सा टेक्निक इधर उधर होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन मेन जो चीज होती है ना वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 90% कंपनीज में, फार्मा में ऐसे ही रहता है। चलिए अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ इंसेंटिव सर्कुलर के ऊपर, राइट। तो मैं आपको समझाता हूं इंसेंटिव सर्कुलर क्या होता है एंड कैसे होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या किया ना, एक कंपनी के इंसेंटिव सर्कुलर का एग्जांपल लिया हुआ हूं। ठीक है, अब इस इंसेंटिव सर्कुलर में देखिए क्या चीज कैसे दी गई है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनी में आपको ऐसा ही सर्कुलर लगभग लगभग मिलेगा, या फिर इसी चीज को घुमा टहला के इधर उधर करके दे दिया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट सिस्टम यही रहता है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी के अंदर। ठीक है, क्या सिस्टम होता है, कैसे चीजें की जाती हैं। मेरा पेन ही वर्क नहीं कर रहा है, क्या हो गया, पेन ही वर्क नहीं कर रहा है, बताओ, शेयरिंग में काम ही नहीं कर रहा है, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों हो गया भाई। चलिए इसको फिर से जरा शेयर करता हूँ स्टॉप करके, अदरवाइज समझाऊंगा कैसे। ओके ठीक है, पेन चलने लगा बंद करके ना फिर से स्टार्ट ही करना पड़ा इसको, पता नहीं क्या हो गया था, पेन नहीं चल रहा, आई डोंट नो। अभी ठीक है, अभी आ गया, जैसे बंद किया जाता तो चलने लगता है। ठीक है, कलर चूज कर लेते हैं जिससे आपको बताने में थोड़ा सा आसान रहेगा, राइट। चलिए अभी यहाँ पे हम चलते हैं। इस एक कंपनी का ना ये इंसेंटिव सर्कुलर प्लान है, और जनरली आपको ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल प्लान, ये कंपनी की चॉइस है फ्रेंड, आपको कभी किस तरह से प्लान देती है। ठीक है, वो एक क्वार्टर का देती है, फिर अगले क्वार्टर में चेंज कर सकती है, या एक साल का एक साथ दे सकती है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंसेंटिव होता है आपको एज ए मेडिकल रैप मिलता है फ्रेंड, वो होता है वैल्यू वाइज इंसेंटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू वाइज शो कर रहा है, टू वैल्यू वाइज, तो पहला जो इंसेंटिव होता है वो होता है वैल्यू वाइज इंसेंटिव। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस इंसेंटिव को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर जो भी टारगेट होगा उसको अगर आप अचीव करते हैं, देन जो है आपको उस वैल्यू का 1.5% मिलेगा। सपोज दैट आपका 1 लाख रुपीज टारगेट है, 1 लाख रुपीज अगर टारगेट आपका होता है, उस कंडीशन में आप उसको 1 लाख को अचीव कर जाते हैं, तो आपका 1500 रुपए इंसेंटिव बन जाता है। ठीक है, 1500 रुपीज आपको इंसेंटिव मिल जाएगा मंथ का। तो ये होता है वैल्यू वाइज इंसेंटिव, अगर आप 100% टारगेट अचीव करते हैं देन। सेम टाइम अगर मैं बात करूं दूसरे इंसेंटिव सिस्टम का, इसी में क्या करती है कंपनी, ओवरशूट करने पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। जिस कंपनी का ये ओपन हुआ है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 105% अगर आप इंसेंटिव टारगेट अचीव करेंगे, मीन्स अगर मैं सपोज करता हूँ 1 लाख का टारगेट लेते हैं, अब 105% मीन्स 1,05,000 रुपए अगर सेल कर जाएंगे, 1,05,000 सेल करते हैं, देन आपको 1.75% का इंसेंटिव मिलता है, मीन्स आपको 1750 रुपए
1750 रुपीज का इंसेंटिव आपको मिल जाता है, राइट। सेम टाइम अगर आप 2% कर सॉरी 110% कर जाते हैं, अगर आप जो है 110% अचीव कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको इंसेंटिव और ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 110% पे क्या शो हो रहा है, 110% में बोला जा रहा है 2%, मीन्स 1 लाख का अगर टारगेट आपका रहता है तो जो भी वैल्यू आपका टारगेट रहेगा आपकी कंपनी अपने इंसेंटिव सर्कुलर के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 2000 रुपीज इंसेंटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझदारी वाली बात क्या है कि सिर्फ अगर मैं 1 लाख सेल कर रहा था, मेरा टारगेट 1 लाख था, जरा सा मैंने उसको पुश कर दिया, ठीक है, जरा सा पुश कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा पुश करने की वजह से मेरा जो है इंसेंटिव 500 रुपीज इंक्रीज हो गया। अब इसमें कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, क्या कहेंगे, उसको भी मैं 7 साल ले लेता हूं, ऐसे इसका पार्ट नहीं है। कुछ लोग ये दिमाग लगा के बोलेंगे कि सर अगर मैंने इस साल ना 1,10,000 कर दिया ना, कंपनी अगले साल टारगेट इंक्रीज करके दे देगी, तो अगले साल मैं इंक्रीज अचीव नहीं कर पाऊंगा। कुछ जो बुद्धिमान प्रवृत्ति के लोग हैं इसमें जो है MR फ्रेटर्निटी में या कुछ बहुत ओल्ड लोग हैं इस टाइप का ज्ञान बांटते हैं, तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं ऐसे इसका पार नहीं है। अगर या आज के टाइम पे ना आपको अगले महीने आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगले साल क्या मैं इस कंपनी में रहूंगा इस बात की कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रेजेंट में चाहें तो 1 लाख को 1,10,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम रोक लेते हैं अपने आप को वहीं पे, नहीं 1 लाख ही करेंगे, नहीं अगले साल टारगेट बढ़ जाएगा। हो सकता है कंपनी ने अगले साल 1.5 की जगह आपको 2 लाख टारगेट दे दिया, तो अब इस साल तो हमने इंसेंटिव कमाया नहीं, अगले साल कंपनी ने इतना बढ़ा के इनसे टारगेट दे दिया कि अब 2 लाख में क्या 1.5 कर पा रहे हैं या 1 लाख 1.20 ही कर पा रहे हैं, हम उतना अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं जो कंपनी टारगेट दी है। तो पता चला हमने इस साल भी इंसेंटिव नहीं कमाया, अगले साल की चिंता में, आने वाले फ्यूचर की चिंता में, और जब फ्यूचर में हम पहुंचे तो सिचुएशन ही कुछ और चेंज हो गई, या इतना बढ़ा के कंपनी ने टारगेट दे दिया, या मैं कंपनी छोड़ चला गया, ठीक है, तो वो वाला भी पैसा, मतलब इधर वाला भी पैसा गया, उधर वाला भी पैसा गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब जब पैसा कमाने का मौका मिले ना कंपनी के अंदर, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि आगे बढ़ जाएगा, आगे का आगे देखेंगे, तब का तब सिचुएशन देखेंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर टारगेट बढ़ जाता है तो उसको अचीव करने के दुनिया भर के तरीके हैं, ठीक है, और सर्वाइवल के 75 तरीके हैं, और बहुत सारी फार्मा के अंदर कंपनियां हैं। तो पहला एम यही है कि जब जब कमाने का मौका मिलेगा छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, तभी पैसा कमा कर पाएंगे फार्मा के अंदर। तो पहला काम तो यही है, वैल्यू वाइज इंसेंटिव, आपको जितनी वैल्यू पे आप कमा सकते हैं मैक्स टू मैक्स उसको अचीव कर लीजिए, टारगेट ओवरशूट करने लायक है और कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए और उसको कमा लीजिए पैसा। अब यहाँ पे कंपनी एक कंडीशन डाल देती है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, वो होती है एलिजिबिलिटी। कुछ कंपनी से यहाँ पे 85% लिखा है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जनवरी में टारगेट आपने 100% किया है तो अगर आपको जनवरी का इंसेंटिव लेना है तो फरवरी महीने में आपको 85% टारगेट पूरा करना पड़ेगा। कंपनी इंसेंटिव तभी देती है जब आपको उसके अगले महीने वाला, जिस महीने का मैं टारगेट अचीव किया उसके अगले महीने भी 85% या 90% करेंगे। कुछ कंपनी 85% और कुछ कंपनियां क्लॉज रखती हैं 90% का, ये जनरली 90% का क्लॉज होता है, यहाँ पे 85 है, मींस अगर आपको इस महीने का इंसेंटिव लेना है तो अगले महीने 90% करना कंपलसरी है। तो जब 90% करना है तो क्यों ना हम पहले से सोच के प्लान करें कि यार 100% उसको अगले महीने भी करें ताकि अगले महीने का भी इंसेंटिव ले, क्योंकि अगर बीच में एक बार फ्लो ब्रेक हो जाता है ना इंसेंटिव ना पाने के, उसकी वजह से नुकसान बहुत होता है। तो मतलब पिछले महीने भी चला गया और इस महीने नहीं कर पाया तो उस महीने का भी घुस गया इंसेंटिव, ठीक है। तो समझदारी से थोड़ा प्लान करिए और हर महीने इंसेंटिव कमाए। तो पहला हर एक कंपनी के अंदर इंसेंटिव होता है फ्रेंड, जितनी भी कंपनीज होती है ना सभी के अंदर जो पहला इंसेंटिव सिस्टम होता है वो होता है मंथली इंसेंटिव सिस्टम। और मंथली इंसेंटिव में भी दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं, एक प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव होता है और एक वैल्यू वाइज इंसेंटिव होता है। प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी, वैल्यू वाइज इंसेंटिव की, ओके। तो यहां पे मैं बात कर लिया मैंने मंथली वैल्यू वाइज इंसेंटिव का। अब चलते हैं, अगर आप मंथ का टारगेट अचीव करते जाएंगे तो कंपनी आपको क्वार्टरली इंसेंटिव भी देती है, ठीक है। अब क्वार्टरली थोड़ा मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ ना, अच्छा दिखेगा, जस्ट मिनट, कुछ बड़ा करने रहता तो है, यहाँ तो बड़ा तो नहीं हो रहा यार, रहने ही देता हूं। चलो इसके बाद क्वार्टरली इंसेंटिव जो है देख लेते हैं। क्वार्टरली इंसेंटिव क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि जितना भी अगर आपने 100% टारगेट अचीव कर लिया, मीन्स अगर एक आपको सपोज दैट आपका एक महीने का टारगेट 1 लाख रुपीज था, ठीक है, 3 मंथ का टारगेट भी देखे तो मान लो सपोज दैट 3 मंथ का टारगेट भी आपका कितना हो जाता है 3 लाख रुपीज हो जाता है।
3 लाख रुपीज, अभी 3 लाख रुपीज जो भी आपका वैल्यू रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो ये 3 लाख रुपीज का सपोज दैट टारगेट हो जाता है, तो इसका 1% बोला जाता है। मीन्स आप अगर लगातार अचीव करेंगे तो क्वार्टर का, क्योंकि लगातार करेंगे क्वार्टर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने 1 महीने अचीव किया और 2 महीने अचीव नहीं किया, लेकिन 1 महीने में बहुत ज्यादा अचीव कर दिया जिसकी वजह से क्वार्टर का टारगेट हो गया, तो क्वार्टर का अगर टारगेट हो जाता है तो उसका भी 1% मिलेगा, मीन 3000 रुपीज आपको और ज्यादा इंसेंटिव मिल जाता है। मंथली इंसेंटिव भी मिलेगा, अगर आप मंथली इंसेंटिव कमा ले गए तो बाकी के सारे इंसेंटिव कमा ले जाएंगे, मतलब एक ही वैल्यू पे कंपनी कई बार इंसेंटिव देती है, उसी वैल्यू के अचीवमेंट पे आपको मंथली भी दे देगी, अगर उसको आपने कंटिन्यूटी रखी, आपने कंसिस्टेंसी रखी तो उसी पे आपको क्वार्टरली भी दे देगी उसी वैल्यू पे, और आपको उसी पे हाफ ईयरली भी दे देगी और उसी पे ईयरली भी दे देगी, ठीक है। मतलब मंथली इंसेंटिव अगर आप कमाते चले गए समझ लीजिए बाकी के सारे इंसेंटिव आप कमा ले जाएंगे। तो कंपनी यहां पे क्या बोल रही है कि अगर आप क्वार्टर का टारगेट 100% करते हैं देन आपको क्या मिलने वाला है, 1% इंसेंटिव मिल जाएगा, तो आप 3000 रुपीज यहां पे अर्न कर लेंगे। अब कंपनी क्या बोल रही है कि अगर आपने क्वार्टर का टारगेट 105% कर दिया तो हम आपको 1.5% इंसेंटिव देने वाले, मतलब 3 लाख रुपीज का आपका क्वार्टर का टारगेट था, आपने क्या किया इसको 105% कर दिया, मतलब 3.15 सपोज दैट सेल कर दिया था, आपको जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो कितना मिलेगा इसका, आपको 3.15 का आप 1.5% निकाल सकते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5, लगभग 47 के आसपास है, जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो भी रहेगा आप 3.17 का 1.5% निकाल लेंगे तो आपको इंसेंटिव पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर क्वार्टरली जो टारगेट है उसको जो एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं, बट सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी एलिजिबिलिटी की, मींस कंपनी जब भी जिस भी महीने का अगर क्वार्टर का इंसेंटिव लेना है तो उसके अगले महीने वाला 90% करना पड़ेगा, मंथ का इंसेंटिव लेना है तो उसके अगले महीने वाला 90% करना पड़ेगा, हाफ ईयरली इंसेंटिव लेना है तो फिर उसके अगले महीने, ये टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा आपको मिलेगा कंपनी के अंदर 90% या 85%, वो आपके टारगेट सीट पे ऑलरेडी लिखा रहेगा। फिर यहाँ कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी ये बोल रही है कि अगर हाफ ईयरली टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो टोटल वैल्यू का, ठीक है, मान लीजिए 1 मंथ आपका 6 मंथ का टारगेट 6 लाख रुपीज है, तो कंपनी क्या बोल रही है 6 लाख रुपीज अगर आप अचीव कर लेते हैं तो मैं आपको 1% देता हूं, मीन 6000 रुपीज आपको और मिल जाएगा। और यहां भी फ्रेंड ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही आप हाफ ईयरली टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है, हाफ ईयरली टारगेट अचीव करते हैं, इसके साथ ही ना आपका सेकंड जो क्वार्टर होगा उसका भी टारगेट पूरा हो जाता है, अंडरस्टैंड, इसकी वजह से सेकंड क्वार्टर का टारगेट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक जो फर्स्ट वाला क्वार्टर था उसको 130% अचीव कर दिया और सेकंड वाला जो टारगेट का अचीवमेंट था सेकंड क्वार्टर उसको 90% ही किया, बट उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ 90% किया है आपने फर्स्ट क्वार्टर जो है, फर्स्ट लिख देता हूँ कंफ्यूजन है, फर्स्ट क्वार्टर आपने किया यहाँ पे, ठीक है, अब आपने सेकंड जो क्वार्टर था सेकंड क्वार्टर आपने किया कितना परसेंट, 90%, बट टोटल जो है टोटल आपने फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकंड क्वार्टर दोनों मिलाने के बाद आपका हाफ ईयरली 100% हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट क्वार्टर में एक्स्ट्रा कर दिया था बट सेकंड क्वार्टर नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको हाफ ईयरली इंसेंटिव मिल जाएगा 6000 रुपीज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ऐसा करते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का भी टारगेट अचीव करते हैं लेकिन सेकंड क्वार्टर का भी अचीव कर लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर दोनों का अचीव करते हैं, तो जब आपको हाफ ईयरली इंसेंटिव मिलेगा फ्रेंड 6000 रुपीज, इसके साथ ही 3000 रुपीज और मिल जाएगा, क्योंकि 1% जो है फर्स्ट क्वार्टर क्वार्टरली इंसेंटिव भी कंपनी दे रही है, तो टोटल इंसेंटिव कितना हो जाएगा, 9000 रुपीज आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि मंथली इंसेंटिव जो है वो 1.5% है 100% टारगेट करने पे, तो आप जब जैसे ही सेकंड क्वार्टर को ये पूरा करेंगे और उसका भी लास्ट मंथ जो मान लीजिए आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक हम जाते हैं, सितंबर क्या होता है आपका कौन सा महीना होता है, 6ठा महीना होता है, राइट। तो अगर आपने सितंबर का टारगेट पूरा किया, सपोज दैट आपने सितंबर का टारगेट पूरा किया है, उसके साथ ही आपका हाफ ईयरली भी पूरा हो जाता है तो उसका 1500 रुपए और इंसेंटिव मिल जाएगा, तो आपका जो टोटल इंसेंटिव हो जाता है वो हो जाता है 10,500 रुपीज, ठीक है, 10,500 रुपीज। मीन्स अगर आप
क्वार्टरली टारगेट करते हैं, सॉरी मंथली टारगेट करते हैं, तो मंथली टारगेट करने के साथ ही आपको क्वार्टरली टारगेट, हाफ ईयरली टारगेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो मींस ये है कि आप जो है हाफ ईयर तक, मतलब एक तो मंथली हर महीने इंसेंटिव पाते रहेंगे, दो क्वार्टर हो चुका है कंप्लीट, दो क्वार्टर का भी इंसेंटिव आप जो है 3,000-6,000 रुपीज कमा चुके होंगे, और उसकी वजह से हाफ ईयरली होगा तो देन अगेन 6,000 रुपीज कमा चुके होंगे, और पूरे महीने के अगर इंसेंटिव जोड़ लें तो 9,000 रुपए और कमा चुके हैं। अगर 1% इंसेंटिव में कैलकुलेट करके चलता हूं, जो कंपनी ने ऊपर सिस्टम में बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने में, क्योंकि 1% करने पर आपको 1.5% मिल रहा था, टोटल 6 मंथ में जो टारगेट हो गया आपका 6,00,000 रुपए हो गया। तो 6,00,000 रुपए का अगर 1.5% निकाल लेता हूं तो ये हो जाता है 9,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको यह 9,000 रुपीज क्वार्टरली मिला के हाफ ईयरली मिला के हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी 6 दुना 12,000 रुपए हो जाता है, और आपका जो मंथली इंसेंटिव होता है वो 9,000 रुपीज और हो जाता है। मीन्स टोटल आपको 21,000 रुपए मिल जाता है, कितने, सिर्फ 6 मंथ के अंदर इंसेंटिव मिल जाता है। 6,000 रुपीज आपको हो गया 6 मंथ का, 3,000 दो बार में आपने कमाया, दो क्वार्टर का वो भी 6,000 रुपीज हो जाता है, 9,000 रुपीज आपका मंथली इंसेंटिव हो जाता है, और टोटल इंसेंटिव आपका हो जाता है 21,000 रुपीज अगर आप मंथली इंसेंटिव टारगेट करते हैं तो। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, 6 महीने में इससे ज्यादा और कमा सकते हैं पैसा आप, ठीक है, इससे ज्यादा और कमा सकते हैं। वो कैसे, अभी मैंने प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव नहीं ऐड किया हुआ है, लगभग लगभग सभी कंपनी में ऐसे ही सिस्टम रन करता है। अब आपने जब 6 मंथ पे कंप्लीट किया तो अगला स्टेप और आएगा, फिर तीसरा क्वार्टर आएगा, मीन्स थर्ड क्वार्टर आएगा, थर्ड क्वार्टर में फिर से आप 3,000 रुपए कमाएंगे, लेकिन ऐसे थर्ड क्वार्टर के बाद फिर फोर्थ क्वार्टर आएगा, फिर 3,000 रुपए कमाएंगे, तो उसके वैल्यू पे जो है आपका एनुअल प्लान हो जाएगा। एनुअल में क्या बोल रही है कंपनी कि एनुअल आपने अगर 100% कर दिया है तो आपको जो है 1% इंसेंटिव और मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर मैं टोटल कैलकुलेट करके एक बार आपको दिखाऊं, अगर लगातार अब एवरी मंथ टारगेट करते चले जाते हैं तो अगर 1.5% इंसेंटिव है मंथली टारगेट पे, तो 1,00,000 रुपीज अगर मैं टारगेट मान के चलता हूँ, सपोज दैट 1,00,000 रुपीज मैं मान लेता हूँ टारगेट, तो 12 महीने में जो है आपका 18,000 रुपए से इंसेंटिव मंथली सिर्फ हो जाता है, राइट। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर का इंसेंटिव 3,000 रुपीज है। अब 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर तो 12,000 रुपए आप इंसेंटिव इस तरह से अर्न कर सकते हैं। एक साल के अंदर 2 हाफ ईयरली आएगा, 2 बार हाफ ईयरली आएगा, और एक हाफ ईयर का इंसेंटिव जो है 6,000 रुपीज है, 2 आएगा, तो यहाँ पे 12,000 रुपीज आप और एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे। फिर एनुअल आपका जो है 1% बोला जा रहा है, तो 1,00,000 रुपीज 12,00,000 रुपए एक साल का टारगेट हो गया, तो उसका निकालेंगे तो एनुअल अगर मैं बात करूं तो एनुअल जो है आपका 12,000 रुपए और आपको मिल जाता है इंसेंटिव। तो अगर टोटल जोड़ते हैं बढ़ती है 36, 36, 10, 46, 46 और 8, तो 54,000 रुपीज फ्रेंड यहाँ पे देखिए आप इंसेंटिव अर्न कर ले जाते हैं वैल्यू वाइज इंसेंटिव। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू वाइज इंसेंटिव है, अगर आप एवरी मंथ टारगेट अचीव करते हैं, और ऐसा इंसेंटिव सिस्टम दिया हुआ है, सिर्फ 100% मैंने कैलकुलेट किया है, अगर इसको 105 ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लेके जाएंगे वो अलग आएगा, ठीक है, उसकी बात, वो अलग इंसेंटिव कमाएगा आप। तो ये हो गया देखो वैल्यू वाइज इंसेंटिव, कंपनी इसके अलावा आपको प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव और दे रही इंसेंटिव। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाइज को मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि किसी कंपनी के प्रोडक्ट ना देखे। तो यहाँ पे जो भी पहला नंबर का प्रोडक्ट अगर आप इसको देखेंगे तो पहले नंबर के प्रोडक्ट पे क्या दिख रहा है भाई, एक स्ट्रिप सेल करने पे आपको 2 रुपीज मिल रहा है। बट मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो कंपनी जो टारगेट दिया है उस पर्टिकुलर ब्रांड का, उसका टारगेट 100 स्ट्रिप का है और आपने उसको सेल कर दिया 120 स्ट्रिप, तो आपने जो टारगेट से एक्स्ट्रा 20 स्ट्रिप सेल किया हुआ है उसके लिए कंपनी क्या दे रही है, 3 रुपीज पर स्ट्रिप दे रही है। मींस 200 रुपीज तो आपको 100% टारगेट करने के अचीवमेंट में मिल जा रहा है, और 20 स्ट्रिप जो ओवर शूट किया है आपने टारगेट उसके लिए आपको 60 रुपीज और मिल जा रहा है, राइट। मींस 260 रुपीज आपको एक ब्रांड का टारगेट पे आपको मिल जा रहा है अगर उसका 100 स्ट्रिप टारगेट है तो लगभग लगभग ऑन एवरेज कंपनी में जिसका टारगेट 1 लाख या 1 लाख टू 1.5 लाख के आसपास होता है, प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव भी समथिंग अराउंड 2,000 रुपीज के आसपास बन जाता है। मींस 1,000 टू 2,000 रुपीज समथिंग अराउंड
कंपनी में एज ए मेडिकल रैप आपका बन जाएगा जनरल केस में, अगर एक अच्छा इंसेंटिव सिस्टम कंपनी दे रही है तो ठीक है। तो 1K से आपका 2K के आसपास प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव जनरली बन जाता है। अब ये 1K से मैं 2K क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझदारी के साथ, अभी क्या है कि हमने देखा कि इसमें इतने सारे इंसेंटिव है, और इसमें मैंने देखा कि मेरा भाई ये सारे ब्रांड है, तो जब हमें टारगेट सीट मिला हुआ है और मैं मार्केट में काम करने जा रहा हूँ, मार्केट में मैं कैलकुलेट करके काम कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं मैक्सिमम ब्रांड का ना प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव ले पाऊंगा। तो अगर मैं समझदारी से बिल्कुल अच्छे से प्लान करके ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो मेरा टोटल टारगेट के साथ साथ प्रोडक्ट वाइज भी टारगेट अचीव हो जाएगा, और टोटल टारगेट के साथ जब प्रोडक्ट वाइज टारगेट अचीव हो जाता है, तो ये इंसेंटिव मेरा क्या कर जाता है, तुरंत ही अप हो जाता है, ठीक है, 1K से 2K में कन्वर्ट हो जाता है। यही है कि जो सेल हो रहा है वही हम सेल किए पड़े हैं, कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है, जो बिक जाए हो जाए किस तरह से टारगेट, उससे मतलब नहीं, हो जाए। जब इस तरीके से हम प्लान करके करते हैं तो क्या होता है, ये 1K ही रह जाता है या 1.5K पहुंच जाता है, बट 2K नहीं पहुंचता। 2K लेने के लिए ना आपको सारे ब्रांड के इंसेंटिव, या फिर इसमें कई बार क्या होता है कंपनी ना फोकस ब्रांड कर देती है, ठीक है, चलो इसमें फोकस में जैसे ये है, इसमें 2 रुपए मिल रहा है बट इस पे 3 रुपीज मिला, कभी कभी कंपनी क्या करेगी, इसके 3 की जगह यहाँ पे 4 रहेगा या 6 रुपीज कर देगी, क्यों, कंपनी उसको एक्टिव प्रमोशन में लाना चाहती है, उसको ज्यादा सेल करना चाहती है, तो कंपनी जब ज्यादा सेल करना चाहती है तो ज्यादा इंसेंटिव देती है। आप देख लीजिए आपकी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने ज्यादा इंसेंटिव प्लान किया है, बस उस प्रोडक्ट को लेके भूत बन जाइए, ठीक है, भूत बन जाइए, अब चले जाइए मार्केट के अंदर, पड़ जाइए मार्केट में बिल्कुल पीछे कस्टमर से, उस ब्रांड का एकदम धुआं उड़ा दीजिए, जिसको बोलते हैं ना, जबरदस्त तरीके से सेल करिए, देखिए आपको इंसेंटिव कमाने से कोई रोक नहीं सकता, मोटा इंसेंटिव कमाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह हो सकता है आप ऐसा बोलोगे सर ऐसा नहीं कि लगातार हमें हर साल एवरी मंथ ही टारगेट अचीव कर पाए, यस बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका किसी मंथ ब्रेकअप हो जाएगा, लगातार नहीं कमा पाएंगे, लेकिन फ्रेंड उस कंडीशन में क्या करना है आपको, पहली बात तो 85 या 90 का जो क्लॉज रहेगा उसको फुलफिल कर देना है। सेकंड चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टर का मिस ना होने पाए, मान लीजिए मंथ का किसी वजह से मिस हो जाता है तो क्वार्टर का ना मिस होने पाए, अगर क्वार्टर का मिस हो गया ना तो आपको लॉस जो होगा ना हैवी लॉस होगा, अंडरस्टैंड। और जितने भी चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, सबका इंसेंटिव लेने के लिए ध्यान रखिएगा, फार्मा कंपनी के अंदर आपको नेक्स्ट मंथ का क्लॉज रहता है वो 85% हो सकता है या फिर 90% हो सकता है, पहला क्लॉज ये रहता है। दूसरा क्लॉज कंपनी जो सबसे ज्यादा नफरत करती है वो है गुड्स रिटर्न का, अगर कंपनी को गुड्स रिटर्न मिल गया तो समझ लीजिए सेल क्या होती है, डबल कटी, एक्सपायर होकर जाएगा कंपनी वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर गुड्स हुआ तो वो क्या करेगा, जो भी आपने सेल किया है इंसेंटिव कैलकुलेशन के टाइम पे डबल, मतलब आपने 1000 रुपीज का प्रोडक्ट सपोज दैट वापस किया, राइट, अब इंसेंटिव कैलकुलेशन के टाइम पे मान लीजिए आपका 1 लाख टारगेट था, आपने 1 लाख रुपीज अचीव कर लिया, राइट, लेकिन जब कंपनी इंसेंटिव देने की बारी आएगी ना वो आपको यही मानेगी आपने 99,000 रुपीज अचीव किया हुआ है, अंडरस्टैंड, आपने 99 था इसके ऊपर 1% कैलकुलेट करेगी, ना कि 1 लाख रुपीज के ऊपर, राइट, क्योंकि जब आपका ये 1 लाख सेल माइनस किया होगा, इसको माइनस करके आपने तो पूरा कर दिया, चलो एक लास्ट ये रिटर्न गया होगा गुड्स तो सेल्स में माइनस दिखाया होगा, ₹1000 नेगेटिव सेल में चले गए होंगे, तो आपने इसको फुलफिल करके 1 लाख सेल कर दिया, बट कंपनी इसको 1 लाख नहीं मानेगी, वो मान लेगी कि आपने टारगेट अचीव किया है, अंडरस्टैंड, कंपनी ये मान लेगी कि आपने टारगेट अचीव कर दिया है, बट सेम टाइम जब इंसेंटिव कैलकुलेशन होगा यहाँ पे ना गुड्स रिटर्न जितना होता है, फ्रेश गुड्स जो रिटर्न होता है वो डबल अमाउंट में कटता है, ठीक है, वो डबल कटेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो ब्रेकेज एक्सपायरी ये सब होता है वो सिंगल कटता है, आपने अगर 1000 का माल वापस किया है, आपका मतलब एक ब्रेकेज एक्सपायरी बना हुआ है, तो वो जो होगा 1000 ही सेल माइनस करेगा, बट जो है फ्रेश गुड्स वापस होना मतलब बहुत बड़ा क्राइम, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा क्राइम। तो फ्रेंड ये था इंसेंटिव सिस्टम, और उम्मीद करता हूं आपको ये इंसेंटिव सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश किया, और लगभग लगभग ऐसा ही इंसेंटिव सिस्टम सभी कंपनीज के अंदर होता है, बस मैक्सिमम इंसेंटिव कमाने के लिए ना बस आपको एक राइट प्लानिंग की जरूरत है, बस उस प्लान को माइंड के अंदर घुमाना है और उसी के अकॉर्डिंग फील्ड में काम करना है, प्रोडक्ट वाइज किस प्रोडक्ट का कितनी स्ट्रिप से टारगेट छूट रहा है, ये जब तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा ना उतने टाइम तक आप मैक्सिमम इंसेंटिव अर्न कर पाओगे। तो एक एम के साथ फील्ड में काम करने जाएंगे तो आपको मजा आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखे है वो लोग एम के साथ काम करने नहीं आते, बैग लिया और
चले गए, क्योंकि इंसेंटिव कमाना एम नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत हैवी इंसेंटिव कमाया, एज ए मैनेजर भी अभी लास्ट कमाता था, ठीक है। इंसेंटिव से ना मजा आता है यार, पैसा दिखता है, ठीक है। और जब हाफ ईयरली या ईयरली पैसा आता है ना, तो ईयरली जब पैसा आएगा तो ईयरली भी आएगा, सेकंड हाफ का भी आएगा, लास्ट क्वार्टर का भी आएगा, मंथ का भी आएगा। ये चार पैसे जो होते हैं ना इकट्ठा एक साथ होता है, क्योंकि हाफ ईयरली पूरा होगा तो लास्ट क्वार्टर का भी पूरा हो जाएगा, लास्ट मंथ भी पूरा हो जाएगा, हाफ ईयर का भी पूरा हो जाएगा, एनुअल भी हो जाएगा। ये पैसा पूरा इकट्ठा होके आता है, इकट्ठा होकर 20-30 हज़ार या 50 हज़ार अकाउंट के अंदर आता है ना, तो पता चलता है, प्लस आपकी सैलरी हो गई, तो कुल मिला के 50-60 हज़ार रुपए आपके अकाउंट में एक साथ आ गया, प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव भी आ गया, तो आप इसको किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। अब कुछ कंपनी में थोड़ा बहुत इससे कम हो सकता है, अब कुछ कंपनी में इससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है इंसेंटिव, बट लगभग लगभग ऐसा ही इंसेंटिव रहता है। ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव इंसेंटिव प्लान है। इसके अलावा कंपनीज को गिफ्ट वगैरह और प्लान कर देते हैं कि भाई 10 डब्बे भेज दोगे तो आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा, रेमंड कैसेट मिल जाएगा, ईयरफोन मिल जाएगा, बूफर मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, इस टाइप की चीजें इस इंसेंटिव को अलावा और प्लान करती है। और कई बार कंपनी 110% कर लेंगे तो आपको फॉरेन ट्रिप दे देंगे, 105% कर लेंगे तो आपको इंडिया का लोकल ट्रिप दे देंगे, इस टाइप की स्कीम्स और देती रहती हैं, राइट। मतलब इतना देती देती हैं, इसके साथ दूसरी चीज ये सब एक्स्ट्रा मिल जाता है जब एनुअल प्लान जो है एनुअल टारगेट 105% या 110% करते हैं। तो जो भी आपका इंसेंटिव सर्कुलर है, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, इमीडिएटली अपने मैनेजर से मांगिए और उसके साथ बैठ के पूरे इंसेंटिव सर्कुलर को समझिए, लग जाइए, कमाना है छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब तक मौका है कमाना है छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।